द ब्रज शिल्पी फाउंडेशन की फाउंडर शिल्पी केशोरिया द्वारा महिलाओं को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति की टीम के साथ मिलकर मथुरा के एक स्थानीय होटल में महिलाओं व बच्चियों को साइबर सुरक्षा, बाल सुरक्षा, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन एवं विभिन्न प्रकार के अपराधों के बारे में बताया एवं उनसे कैसे बचना है इसके बारे में भी समझाया। साथ ही सरकार द्वारा गरीबों के हित में चलाई गई योजनाओं के लाभ के बारे में बताया, कैसे उनका लाभ ले सकते हैं। जिनको उन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है उनको योजनाओं की पूर्ण जानकारी देते हुए पैम्पलेट्स भी बांटे गए। वहीं मौजूद थाना गोविंद नगर प्रभारी ललित भाटी ने महिलाओं को समझाते हुए कहा कि आप लोगों को कभी भी कोई भी परेशानी होती है तो आप निडर होकर पुलिस को फोन कीजिए, आपकी तुरंत सुनवाई की जाएगी। अगर आप कहीं सुनसान रास्ते में फंस जाते हैं और आपकी गाड़ी पंचर या कोई दिक्कत हो जाती है तो आप 112 पर कॉल कीजिए, आपको तुरंत सहायता मिलेगी। वहीं एंटी रोमियो टीम प्रभारी अलका रानी ने सभी लोगों को जागरूक करने के साथ साथ समझाया, कभी कभी लोग अपनी दुश्मनी के लिए एक दूसरे पर झूठे केस लगवा देते हैं, फिर उसकी जांच करने में झूठे पाए जाते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप कभी भी ऐसे ना करें और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको समझाएं, ये एक अपराध है, ये अपराध करने पर आपको भी सजा मिल सकती है। थाना गोविंद नगर से सब इंस्पेक्टर सिंधु ने कई प्रकार के अपराधों एवं उनसे बचाव के बारे में बताया और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए अपने पड़ोसियों की भी सहायता के लिए कहा। ये मिशन शक्ति का कार्यक्रम हुआ है जो गवर्नमेंट का, अभी गवर्नमेंट ने जो ये निकाला है मातृशक्ति और मिशन शक्ति के लिए, इसका प्रोग्राम द ब्रज शिल्पी फाउंडेशन के लिए हमारे थाना अधिकारी ललित भाटी जी ने हमें कल महिला शक्ति के लिए बोला कि आप महिलाओं के लिए हमारे ब्रज क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रही हैं, तो मिशन शक्ति से इसको जोड़ के हमने ये प्रयास किया है कि कुछ महिलाओं तक हमारी जो सरकार की दी हुई योजनाएँ हैं उन तक पहुँचाने का हमारा एक प्रयास है। हमारे यहाँ महिला शक्ति ही रही है और प्रोग्राम ब्रज शिल्पी फाउंडेशन और मिशन शक्ति के तहत हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि गोयल है, मैं मथुरा में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। जी रश्मि जी, आज जो कार्यक्रम हुआ मिशन शक्ति का, इसमें लगभग कितने लोग मौजूद रहे और कैसा कार्यक्रम? इसमें लगभग 150 से 200 महिलाएं उपस्थित हैं और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ। ये प्रोग्राम हमने पुलिस बल के सहयोग से किया है और द ब्रज शिल्पी फाउंडेशन के साथ किया है। इसमें जो हमारी जनरल पब्लिक है, जो महिलाएं हैं, और पुलिस के साथ दोनों का वार्तालाप हुआ और महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण किया जाए, महिलाओं को कैसे पुलिस का सहयोग मिले उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई।